वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नोज राजस्थान। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनएम जीएनएम स्टाफ नर्स एंड मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों ये जो वैकेंसीज है आपके छत्तीसगढ़ स्टेट से आई हुई है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ ने ये वैकेंसी निकाली है। इंद्रावती भवन तृतीय तल नया रायपुर से ये जो वैकेंसीज आई हुई है, इसका नोटिफिकेशन जो है आपके 14/8/2020 को रिलीज कर दिया गया था और इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है 1/9/2020 है और ऑनलाइन आवेदन आप जो है 18/8/2020 से कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cghealth.nic.in, इस वेबसाइट पे जा कर के आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 1/9/2020 इसकी लास्ट डेट है, 5:30 बजे तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पोस्ट का नाम या पद नाम जो है वह है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, ठीक है, महिला एनएम, इसको एनएम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल भी बोलते हैं और इसकी जो बेसिक सैलरी आपकी रहने वाली 5,200 से 20,200 रहने वाली। ग्रेड वेतन जो है आपका यहाँ पे 2200 है और लेवल 5 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तृतीय श्रेणी का आपका ये जॉब है, परमानेंट जॉब है। दोस्तों जिले वाइज इन्होंने सीटें डिवाइड की हुई है, तो गरियाबंद से आपके जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है, बेमेतरा से जो है आपके नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है, मुंगेली से जो है आपके 24 वैकेंसीज है, कोरबा से आपके जो है 43 वैकेंसीज है, रायगढ़ से जो है आपके 21 वैकेंसीज है, कोंडगांव से जो है आपके 11 वैकेंसी है, सुकमा से आपके 61 वैकेंसीज है, बलरामपुर से जो है आपके 32 वैकेंसी है, सूरजपुर से आपके जो है 15 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपके टोटल जो है 253 हो जाती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज इन्होंने सीटें डिवाइड की हुई है, तो जो भी जिस कैटेगरी में आता है अपने अकॉर्डिंग सीट देख करके जिस भी जिले में सूटेबल लगे वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके सेक्शन की योग्यता। तो सेक्शन योग्यता जो है आपके उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। ये जो कोर्स होता है, ठीक है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल का 18 माह का भी होता है या 24 माह का, जो भी इनमें से होता है, ठीक है, तो वह आपके पास होना कंपलसरी है। और तीसरी जो क्वालिफिकेशन है, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर 2 क्वालिफिकेशन इनकी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला एनएम के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगे, ये आप साफ साफ क्लियर रूप से देख लीजिए। नंबर 3 जो वैकेंसी है, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2020 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश नियम आदेश यथा संशोधित लागू होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको सारे वैकेंसीज की जानकारी दे दी है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हो। आप 57 नंबर में जो है यहाँ पर देख लीजिए www.chhattisgarh.health.nic.in, इसके ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वैकेंसीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।